Thanks, guys. Energy. Good energy, guys. Super. Awesome. जगा दिया है. चलो, yeah. Thanks, guys. Hi, Sharks. My name is Yash. Welcome to Urban Monkey. Relax. Yes. I lost it. Take your time. Yeah. You want water? All good. Thank you. Can I start again? Is that fine? Yeah. Okay. Sorry, guys. What's up, Sharks? Welcome to Urban Monkey. Urban Monkey एक ऐसा ब्रांड है जिसका विजन है टू बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर द फ्यूचर. वी आर ड्रीमर्स, वी आर बिलीवर्स, वी आर हसलर्स, वी आर गेम चेंजर्स. वी आर द ओजी स्ट्रीटवेयर लेबल ऑफ इंडिया. अमेजिंग. वी स्टार्टेड दिस ब्रांड इन 2014 कैप्स, वॉलेट्स और बैग्स के साथ, और अब हमारे पास 10 से ज्यादा कैटेगरीज और 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है. Wow. हम सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की वेबसाइट पे सेल करते हैं और कोई मार्केट प्लेस पे नहीं. वी आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड अ ग्रोइंग ब्रांड. एंड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टॉक ऑलवेज सोल्ड आउट रहता है. Wow. इसीलिए शार्क्स, वी आर हियर टू टेक अर्बन मंकी टू द नेक्स्ट लेवल, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट एंड कैन जॉइन द मंकी गैंग. My ask is 1 crore for 1% of my business. Whoa. Yes. Chal bhai. Thank you. I'm out. Yash, welcome to Shark Tank. Thank you. आप कहाँ से हैं? मैं हांगकांग में पला बड़ा हूँ, मगर 8 साल पहले मैं इंडिया के शिफ्ट हो गया था अकेले. My parents still live in Hong Kong. तो यश, आपको आइडिया कैसे आया ये वाला? 12 साल की उम्र से मैं स्केटबोर्डिंग कर रहा हूँ, और एक्चुअली जब मैं पहली बार इंडिया आया था तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे, तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करा था स्केटबोर्डिंग इन मुंबई. सो उधर जाके जो मेरे को इनपुट मिला लोगों से कि यहाँ पे ये ब्रांड नहीं मिलता, यहाँ पे ऐसे टाइप की चीज़ें नहीं मिलते, बॉमर जैकेट नहीं मिलता, तो आई रियलाइज देयर इज अ बिग गैप इन द मार्केट विच द यूथ वॉन्ट्स. जब हमने कैब चालू करी थी तब इंडिया में कोई ब्रांड नहीं था जो कैब्स बेचता था. इट वॉज ऑल ओल्ड स्कूल रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स distributing all around India and selling online. I have a box for everyone. अरे वाह! Wow! रिश्वत में देरी नहीं करते हैं। तो 100 crore की valuation है, रिश्वत भी भारी चाहिए। Nice packaging. Nice. Thank you. Definitely nice packaging. Thank box you. बहुत अच्छा है यार दोस्त. थैंक यू. तो आप CEO हैं इस बिजनेस के अकेले? Yes, I'm the founder. No co-founder. ये चश्मा आप कितने का बेचते हैं? That one 1200. 1200 का बेचते हैं. कितने का बनाते हैं? Around $2 के नीचे. और ये चाइना से लाते हैं? Correct. कितनी सेल है आईवेयर की इस पूरे कैटेगरी में? About 25-30%. मेरे को एक स्वेटशर्ट दोगे आप? Please. आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है? स्वेटशर्ट्स? नो, कैप्स. कैप्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ 40% कैप्स, 30% ग्लासेस. यस. तो इसको बंद क्यों नहीं कर देते? 40% कैप्स है, 30 ये भी बिकता है. मेरे को ये बताइए, आपका जो अर्बन मंकी जो ब्रांड है, ऐसे और भी स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स हैं मार्केट में, करेक्ट? तो आपके ब्रांड में क्या डिफरेंस है? हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जो ना सिर्फ अच्छे दिखते हैं बट थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी भी है और ड्यूरेबिलिटी. बेवकूफ का नाम सुना है? बेवकूफ हां सुना है. वो भी तो यही करता है. उन लोग का मार्केट, टारगेट मार्केट और हमारा टारगेट मार्केट काफी अलग है. हम लोग क्वर्की डिजाइंस, वो भी क्वर्की करते हैं. हम लोग क्वर्की डिजाइंस नहीं बनाते. ये क्वर्की है सारा, ये और क्या है? दिस इज ड्रिप, आई वुड से. दिस इज व्हाट इज ड्रिप? ड्रिप क्या होता है? ड्रिप इज लाइक ड्रिप. अब मैं क्या, अब मैं ये पता है क्या कहना चाहता, ये कहना चाहता है मैं क्या अंकल लोगों को समझाऊं ड्रिप क्या होता है. ड्रिप इज अ वाइब. ड्रिप एक ऐसी चीज है जो आप अंदर लाए, आप खुद फील करोगे कि मतलब वाओ आज सही लग रहा है. यश, मैं कोई चीज बताऊं? हाँ. तुमने बोला कि मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट पे बेचता हूँ. करेक्ट. मैं मार्केट प्लेस पे नहीं बेचता. राइट. क्या ये स्ट्रैटेजी क्या है, उसके रीजन क्या है? सो हम लोग स्टार्टिंग में पहले 3 साल बिजनेस में मैंने सिर्फ मार्केट प्लेस पे बेचा था, और मेरे को बहुत फ्लक्चुएशंस और अनस्टेबिलिटी लगी. Or to be honest, SEO, everything was kind of making sense to move away from marketplace because people search for us. Today bhi about 30% of our sales comes from search. Chalo, aapki sales kitni hai, us pe aate hain. This year till date we have done 5 crores
and uh-huh. we're going to end it at 12 crores. Last year, we only did 3.4 crores. Oh, wow. And we are on track to close next year at 25. And we have pre-planned our purchases to be able to do so. How profitable is your business? We are profitable. Last year, we had a net profit of 15%. And this year, we're going to have a net profit of 25%. So, 25%? Yes. 3 crore rupees have been made? Yes. Profit? Mein. Yes. Net profit? Yes. So, you have to ask money? 3 crore rupees have been made? No, you have to ask money. अमन चाहिए उनको। अमन अभी अपनी सीट से उछाल के आपको हग करने वाला है। यश मेरे को एक ऑनेस्ट चीज बता। तेरे को नहीं लगता कि तेरे को जो मार्केटप्लेस की सेल है और जो सोर्सिंग है वो नहीं आती? अगर तुमको नहीं आता सच बोलियो, ये स्मार्ट बंदे हैं, ये समझ लेंगे। मार्केट प्लेस में जब हम लोग बिजनेस चला रहे थे तब हमारी 4x ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं था हमारे पास, तो नहीं आता मार्केट प्लेस, नहीं आता था हमें। ऑलराइट यश, आप मेरी कंपनी से भी पहले स्टार्ट हुए थे, तो आपने 8 साल में कुछ फोड़ा नहीं है। आई एग्री विद यू। पहले 3 साल मैं सारा ऑपरेशन फ्रॉम बॉटम टू एंड अकेला संभाल रहा था इंडिया में, वो गलत डिसीजन था। जब मेरे को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो रिजल्ट चाहिए था नहीं मिला और खुद की वेबसाइट पे मैंने फोकस करने का डिसाइड करा, तब एक्चुअल ब्रांड बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हुई थी जिसके वजह से आज ब्रांड ग्रो हुआ है। एक्चुअल ग्रोथ 2016 से देखी है, उसके पहले इट वॉज प्रीटी मच फ्लैट लाइन। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, आप अगर खाली कैप का बिजनेस भी शुरू करते राइट आप उसमें ही फोड़ सकते थे बॉस। I think we are the biggest cap seller in India. I'm pretty sure of it. तो फिर आपने और categories क्यों add करी? नहीं, ये तो सही है क्योंकि सिर्फ कैप्स में तो आप commoditize हो जाते हैं, तो कपड़ों में तो जाना ही पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा categories खुलने में भी problem है inventory की। वो मैं मानता हूँ। और watches अभी हम launch कर रहे हैं जनवरी में, it's around 8,000 rupees. वो भी watches launch कर रहे हैं। We are launching watches. यार यश ये गलत कर रहा है तू। Watch मत करो। बहुत चीजें करने से ना प्रॉब्लम होती है, फिर वो आप फोकस नहीं कर पाते बॉस। यश अगर मैं तेरे को बोलूं तो सारे बिजनेस बंद कर दे, खाली कैप पे फोकस कर और कैप को बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तू कर देगा? नहीं। तो ग्लासेस क्यों कर रहे हो फिर? हम ग्लासेस हमारे कस्टमर्स को चाहिए थे। एक मिनट हम बात करते हैं। यश मेरे को आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। Okay. I would say. लेकिन I think आपने जब ये वॉचेस बोला ना, then I stopped watching. Okay. आप ये अलग अलग टेक्निकल प्रोडक्ट्स में जाके वॉचेस का एक कंप्लीटली डिफरेंट सप्लाई चेन होता है, ग्लासेस का कंप्लीटली डिफरेंट सप्लाई चेन होता है, और आप नई नई सप्लाई चेन खोल रहे हैं पहली वाली बिना सॉल्व किए, इस वजह से आई एम आउट। मैंने अपना डिसीजन बना लिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे अभी ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके पास एक मैसिव इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो जाएगी एंड okay. हमारा पूरा 1 करोड़ वहीं अटक जाएगा। okay. तो इसलिए अभी आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस। चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। okay. इंटरेस्टिंग ऑफर है। okay. आज तक नहीं दिया गया शार्क टैंक पे, मेरे को 50% चाहिए आपकी। okay. मेरे को साथ में कंडीशन चाहिए, आप जब तक ये 50 करोड़ का नहीं हो जाता आप खाली कैप्स और आईवेयर दो ही कैटेगरीज में प्ले करोगे। okay. उसके बाद हम बाकी कैटेगरीज ऐड करेंगे। okay. पर तब तक खाली दो कैटेगरीज, आईवेयर में मैं आपकी मदद करूंगा टू इंप्रूव क्वालिटी स्पीड, 30 दिन में चश्मा निकालेंगे हम। right. और खाली आईवेयर में 50 करोड़ हो जाएंगे, शायद 100 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। अगर आप ये करने के लिए रेडी है तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा 50% के लिए, पूरा इक्विटी। राइट, बट मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ मैं 3 साल में इसको 100 करोड़ का ब्रांड बना दूंगा रेवेन्यू में। यश ये जो इन्होंने कंडीशन डाली है ना ये गलत है, क्योंकि मेरे को भी तेरे से ये मतलब यही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ना तेरे कैब्स बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। कैब्स बिजनेस इज क्रेजी और ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन हो सकती है। करेक्ट, जब हम भी घुसे थे ना हमें भी लोगों ने बोला था कि कमोडिटाइज है, तेरे बस की ना है, तुम्हें कुछ नहीं कर पाया, क्या उखाड़ पाएगा, और हमने उखाड़ दिया, समझ रहे, तभी हम बने हैं जो बने हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलो चुप हो जाए। अरे ऑफर देना यार, ठीक है, बेकार की बातें कर रहा है। ठीक है, तो कैप्स बिजनेस तो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि टी शर्ट ना जनता बनाती है। right, मैं 10 टी शर्ट के नाम बना सकता हूँ। right. आज सारे शार्क भी खो गए, तू भी खो गया। right. कैप का ब्रांड नहीं है। right. अगर मार्केट प्लेस में मैं ऐसे ले आया ना आग लगा दूंगा आग। okay. कैप्स और चश्मा खाली, ये छोड़िए सब ये फुद्दू चीजें हैं। okay.
मेरे को 1 करोड़ रुपए देने हैं, मैं और रजनीर भाई साथ हैं, ठीक है, बट हमारे को 10% चाहिए, खाली 5% इनका, 5% हमारा, कोई वैल्यूएशन होगी। मैं ये ऑफर मैच करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं अकेले करना चाहता हूँ। ओके, कैन आई हैव अ मिनट? या ऑफ कोर्स यू कैन गो आउट, आई जस्ट गो आउट, और आप काउंटर भी कर सकते हैं। यस, नहीं ट्राई मत करना। तीन ऑफर से करेगा ये, एक चश्मा बना बना के ना पहलेगा। क्यों यार, तुम ले लो ना, अमन भाई ले सकते हो, तो कंपटीशन लग रहा है। ये कह रहा लेके दिखाओ। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप ही लग रहा है। अब दोनों बैठ जाओ उसका कैप पहन के, ले लेगा। वाओ, सुकी नाइस। Yeah. So, thanks for the offer, Sharks. मेरा काउंटर ऑफर है 1 करोड़ के लिए 1.33%, जो होता है 75 करोड़ का वैल्यूएशन। चल मेरे को एक बात बता। तो 75 करोड़ की वैल्यूएशन दे दी। ओके। ऐसे कि 10 करोड़ की वैल्यूएशन। ओके। तेरी लाइफ में क्या बदल जाएगा? पैसा तो अंदर 1 करोड़ रुपए ही है। राइट। तो क्या बदल गया? 1 करोड़ से भी मेरी लाइफ नहीं चेंज होगी। तो फिर तुमको पैसे नहीं चाहिए? आप लोग ने वो सीख चुके हो जो मैं अगले कई सालों में सीखने वाला हूँ, तो अगर मेरे को राइट मेंटरशिप मिल गई, देन आई नो कि बेट्स दैट वी प्ले विल कम आउट रिचर। मैं आपको पर एक बात कहना चाहता हूँ यश, ठीक है, और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ यशनी और अमन, यार जब आप ओपन टू फीडबैक है ही नहीं है, तो फिर मेंटरशिप की तो बात ही नहीं हुई ना। फिर तो टाइम, मतलब आप, मैं आपकी इक्विटी लेके क्या करूंगा? हमें फ्री लंचेस चाहिए नहीं लाइफ में। हमारा टाइम जो है ना वो कीमती है, और ये नॉन फ्लेक्सिबिलिटी मेरा सबसे बड़ा डाउट था जिससे पहले आप बाहर गए थे, विच इज वाई मैंने ऑफर जो है वो 50% की दी थी। तो अभी मेरे लिए तो वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल और 100% आउट हूँ। यश लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है तू रिजिड आदमी है, लेकिन रिजिड होना, जैसे जिद्दी होना बुरी बात नहीं है, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो लास्ट ऑफर बोल, मैं येस और नो बोलेंगे और हम बाय कर देंगे, ठीक है? अगर तेरे को हमारी जरूरत है तो बोल, नहीं है तो हमें तेरी जरूरत भी नहीं है। मेरा सेकंड काउंटर ऑफर है 1.53% के लिए 1 करोड़, जो होता है 65 करोड़ का वैल्यूएशन। नमस्ते, बहुत बढ़िया आपसे मिलके लगा, थैंक यू, बाय बाय। तो वो अंदर इतना गुस्सा हुआ, बाहर निकल के बड़ा पिक्चर नहीं देख सकता।